नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 6 पर हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रभु की इच्छा से। महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्राकट्य, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्ण। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्यान्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सतत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह ना स्थूल है, ना कृश, ना रस है, ना दीर्घ, ना लघु है, ना गुरु। उसमें ना कभी वृद्धि होती है, ना रस। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता का मात्र ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद में परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। सृष्टि का समय आने पर उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्यों से गुण संपन्न सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापिनी सर्वरूपा सर्वदर्शनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदनीय सर्वाद्या सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाश चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा 1,000 चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं।
उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सान्निध्य से मुक्त नहीं किया है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंद वन रखा था, उसके बाद वह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। देवर्षे, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि भी करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त एक समुद्र के समान है, इसमें चिंता की उत्ताल तरंगे उठ उठकर इसे चंचल बनाए रहती है। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न, तमो गुण रूपी ग्राह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुख पूर्वक निवास करें। यह आनंद वन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुने, क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई कहीं उपमा नहीं मिलती। उसकी कांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण किसी कांति वाले दो सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदनंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, स्वामिन, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु प्रख्यात होगा। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। तदनंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। यह सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुने, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नारायण यह श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा कोई दूसरी प्रकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का सब प्रकार बता रहा हूँ। सुनो, प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए हैं, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवाद ग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। अध्याय 7। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था।
सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वव्रत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे चार मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किसके लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही चार भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीतांबर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि बहुत महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका वह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उद्भासित हो रहे थे। उस समय उन सद सत्व स्वरूप सर्वात्मा चार भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहां हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला। मैं थककर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अहंकार से आविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दिनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुर श्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार को सूर्य मंडल के समान तेजों में देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहां उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा।
तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरूप द्रव निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय प्राह्य और अभ्यंतर के भेद से रहित प्राह्य अंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदिकारण तथा सबके परमाश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उसमें श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ कहाँ से प्रकट हुआ है, फिर हम दोनों इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा, ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि शब्द में ब्रह्म शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म रूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा चिंत्य रुद्र हैं, जहाँ जाकर मन सहित वाणी से प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है, वे इसके वाच्यार्थ रूप हैं। वह परम कारण रित आनंद सत्य एवं अमृत स्वरूप परात्पर पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज भूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी है और आकार संज्ञक मुज ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्रीहरि योनि है, प्रधान और पुरुष भी ईश्वर जो महेश्वर हैं, वे बीजी बीज और योनि भी हैं, उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थित होकर सब और बढ़ने लगा। वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था, उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के दो टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड जन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर दो भागों में बट गया। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वह द्वितीय लोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह पांच लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी क संज्ञा है, वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी प्रकार अभिप्राय से और ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचा और साम मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार उनका ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। रिकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और रिकार बायां र और र ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार एधर ओकार तथा ओकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अं और अह उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बाया पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव्द के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और शकार को मेढ़ू मूत्रेंद्रिय कहा जा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा।
उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नाम दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्रीहरि उनका जप करने लगे। तदनंतर ऋक, यजुः और साम, ये जिनके रूप हैं, जो ईशो के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्व गुह सदाशिव हैं, जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्टि से स्तवन किया। बोलो हर हर महादेव।